वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बायोमोलिक्यूल्स के सेपरेशन टेक्निक में आज हम इलेक्ट्रोफोरेसिस को पढ़ेंगे। एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसका यूज करते हैं मोलिक्यूल्स को सेपरेट करने में, न सिर्फ सेपरेट करने में बल्कि इसके द्वारा हम मोलिक्यूल्स का एनालिसिस भी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है इसको इन जनरल वे में समझेंगे, इसके प्रिंसिपल मैकेनिज्म एंड एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं रेशमा कपूर, बॉटनी लेक्चरर, चापुर, राजस्थान से। इन इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड फोरेसिस का मतलब होता है सेपरेशन। तो इस तरह से इन जनरल वे में हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस एक सेपरेशन टेक्निक है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन होता है। लेट्स अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली। हमने एक बीकर लिया, इसमें हम कोई आयनिक सॉल्यूशन लेते हैं। जस्ट सपोज हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया जिसमें कॉपर प्लस टू एंड सल्फेट माइनस टू आयन्स प्रेजेंट होते हैं। दो इलेक्ट्रोड लगाए एंड इलेक्ट्रोड को हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, हम क्या देखते हैं, एक इलेक्ट्रोड पर कॉपर, दूसरे इलेक्ट्रोड पर हमें सल्फेट मिलता है। जिस इलेक्ट्रोड की तरफ कॉपर मूव करते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है एंड सल्फेट जहां पर मूव करते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो किसी आयनिक सॉल्यूशन में जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो आयन्स सेपरेट हो जाते हैं। आयन्स अपने चार्जेस के अकॉर्डिंगली अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस के इस बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर इलेक्ट्रोफोरेसिस काम करती है। इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन होता है। तो इन जनरल हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस इन्वॉल्व्स मूविंग और माइग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स under the influence of applied electric field according to their charges. Charges के accordingly electric field apply करने पर molecules का move करना। इस तरह से आयनिक सॉल्यूशन में आयन्स को मूव करने के लिए किसी सॉल्वेंट की नीड होती है, उसी तरह इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब बायोमोलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा, उनका माइग्रेशन होगा, तो उनको भी एक सपोर्टिंग मैट्रिक्स की नीड होती है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये सपोर्टिंग मैट्रिक्स यूजुअली जेल होता है जो कि पोरस जेल होता है एंड सपोर्टिंग मैट्रिक्स के जैसे काम करता है जिसमें से होते हुए मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं एंड उनका सेपरेशन होता है। तो मोर प्रिसाइसली इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस इज एन एनालिटिकल टेक्निक विच इज यूज टू सेपरेट बायोमोलिक्यूल्स हैविंग चार्ज और कैन बी चार्ज्ड। Under the influence of applied electric field to porous gel supporting matrix. इस तरह से electrophoresis एक analytical type की separation technique है जिसका use mainly molecules के analysis करने में किया जाता है। बहुत ही कम इस टेक्निक का यूज प्रिपरेटरी टेक्निक जैसे करते हैं। मेनली ये एनालिटिकल सेपरेशन टेक्निक है जिसमें ऐसे बायोमोलिक्यूल्स जिनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है या जिनको हम चार्ज्ड कर सकते हैं उनका सेपरेशन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर इनका सेपरेशन होता है और ये मॉलिक्यूल्स पोरस जेल सपोर्टिंग मैट्रिक्स में से होते हुए जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो सेपरेट हो जाते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा हम चार्ज्ड या जिनके ऊपर हम चार्ज लगा सकते हैं उनका सेपरेशन होता है। तो ये इस टेक्निक की एक लिमिटेशन भी है। तो इन दिस वे वी कैन से इलेक्ट्रोफोरेसिस इन्वॉल्व्स द माइग्रेशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू पोरस मैट्रिक्स। ऐसे बायोमोलिक्यूल्स
जिनके ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है या जो आयनाइज्ड फॉर्म में मिलते हैं, उनका सेपरेशन हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा कर सकते हैं, जैसे कि पेप्टाइड्स, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, इवन सिंगल न्यूक्लियोटाइड का सेपरेशन भी हम इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के द्वारा कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स बच्चों में आपको बता रही हूँ, आपको ध्यान में रखना है। ऐसे बायोमोलिक्यूल्स जिनके ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है या जो आयनाइज्ड फॉर्म में मिलेंगे एक पर्टिकुलर पीएच पर, उनका सेपरेशन हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा कर सकते हैं। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये चार्ज्ड पार्टिकल्स अपने चार्जेस के अकॉर्डिंगली कैथोड की तरफ या एनोड की तरफ मूव करते हैं। ये इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट की एक पिक्चर है। इस टाइप की यूनिट बच्चों आपने अपनी लैब में देखी होगी। इलेक्ट्रोफोरेसिस पर काम करने के लिए इस यूनिट को असेंबल करना आपको आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कैथोड कौन सा होता है, एनोड कौन सा होता है, इसके ऊपर चार्जेस कौन से होते हैं, आपको अपने सैंपल वेल किस डायरेक्शन में बनाने हैं। मोस्टली बच्चों को यहीं पर कन्फ्यूजन होता है, तो बहुत आसानी से आप समझ लें। छोटे छोटे से पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ। जैसे सपोज हमारे पास में सैंपल में हमको दो टाइप्स के मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, मॉलिक्यूल एक्स एंड मॉलिक्यूल है वाई। एक्स के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है, वाई के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम केटायंस कहते हैं। केटायंस को अट्रैक्ट करने वाले इलेक्ट्रोड कैथोड कहलाते हैं। तो सिंपली आपको ध्यान में रखना है केटायन का सी एंड कैथोड का सी, ठीक है। केटायंस को जो इलेक्ट्रोड अट्रैक्ट करेंगे उनको हम कैथोड कहते हैं। केटायंस के पास में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने के लिए कैथोड के पास में नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। इसी तरह नेगेटिव आयन जिन मॉलिक्यूल्स पर प्रेजेंट होते हैं उनको हम एनायंस कहते हैं, एंड एनायंस को अट्रैक्ट करने वाले इलेक्ट्रोड एनोड कहलाएंगे। एनायंस के पास नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने के लिए एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, एनोड के पास में कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा, कैथोड के पास में नेगेटिव चार्ज होगा। कैथोड अट्रैक्ट करेगा केटायंस को, इसी से आपको ध्यान में रख लेना है। एनोड अट्रैक्ट करेगा एनायंस को, सिंपल है। अब यहाँ पर आपको अपने सैंपल वेल किस डायरेक्शन में बनाने हैं तो वो भी बच्चों आप लोग समझ लो। जस्ट सपोज ये हमारी इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट है, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड है ये कैथोड एंड एनोड। यहाँ पर बच्चों मैं आपको बता दूं, मोस्टली जो इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट में कैथोड होता है वो ब्लैक या डार्क ब्लू कलर का होता है, ठीक है, एंड जो एनोड होता है वो रेड कलर का होता है, ठीक है, ये भी आप ध्यान में रख लें। अब यहाँ पर आपको सैंपल दे रखे हैं, कुछ सैंपल मॉलिक्यूल्स दे दिए, लेकिन आपको नहीं बता रखा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या मॉलिक्यूल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो आप अपना जो सैंपल वेल बनाएंगे ना वो बीच में बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके मॉलिक्यूल्स के पास में नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ, मान लो ये आपका कैथोड है, सॉरी एनोड है, और ये कैथोड है, ठीक है, अगर मॉलिक्यूल्स के पास में पॉजिटिव चार्ज हुआ तो कैथोड की तरफ मूव कर जाएंगे, मॉलिक्यूल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज हुआ तो वो एनोड की तरफ मूव कर जाएंगे, क्लियर है। तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स का जब आप सेपरेशन करेंगे तो सैंपल वेल आप बीच में बना लें। लेकिन अगर मान लो आपको दे रखा है, आपके मॉलिक्यूल दे रखे हैं कि आपके पास में जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे सपोज आपको डीएनए दे रखा है, ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अब नेगेटिव चार्ज के साथ में क्या है, एनायंस है, एनायंस कहाँ जाएंगे, एनोड की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये आपने कैथोड लगाया और ये आपने एनोड लगाया, राइट, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज। आपको किसका सेपरेशन करना है, डीएनए का बैंड देखना है आपको, है ना, डीएनए सेपरेट करना है। तो आप यहाँ तो अपने सैंपल वेल नहीं बना सकते ना इस डायरेक्शन में, ऐसे तो सैंपल वेल नहीं बनाएंगे, तो आप कैथोड की तरफ सैंपल वेल बना देंगे, जिससे कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो आपके डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने चार्जेस के अकॉर्डिंगली एनोड की तरफ माइग्रेट कर जाएंगे। तो बहुत छोटी सी बातें, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं। नाउ द प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन होता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कैटायनिक या एनायनिक फॉर्म में होते हैं,
ठीक है। एंड जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स या तो कैथोड की तरफ या एनोड की तरफ मूव करते हैं, एंड इनका जो मूवमेंट होता है वो इनके नेट चार्जेस, मॉलिक्यूल्स के मास एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। जस्ट सपोज ये हमारी इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट है, मैडम बार बार इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट बना रही है, अब क्या करें समझाने के लिए ये इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट को ड्रॉ करना जरूरी है। इसमें हमने सैंपल मॉलिक्यूल्स लिए, अपने इलेक्ट्रोड लगाए, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे, क्लियर है। अब मॉलिक्यूल्स अपने चार्जेस के अकॉर्डिंगली मूव कर रहे हैं, या तो कैथोड की तरफ या एनोड की तरफ मूव करेंगे, तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल्स के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है जिसके वजह से मॉलिक्यूल्स जो हैं जो पहले की एक साथ हैं लेकिन अब वो सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है, एंड अपने चार्जेस के अकॉर्डिंगली वो माइग्रेट कर रहे हैं या तो कैथोड की तरफ या एनोड की तरफ। तो फर्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो सेपरेशन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर जब भी सेपरेशन होता है वो चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स का होता है। सेकेंड पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि इस टाइप के सेपरेशन में जो फोर्स काम करता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन होता है, मॉलिक्यूल्स माइग्रेट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपोजिट चार्ज्ड आयन्स के बीच में होता है, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज्ड आयन्स नेगेटिव चार्ज्ड कैथोड की तरफ जाएंगे एंड नेगेटिव चार्ज्ड आयन्स पॉजिटिव चार्ज्ड एनोड की तरफ मूव करते हैं, क्लियर है। तो कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। बायोमोलिक्यूल्स का जब सेपरेशन करते हैं तो उनको एक सपोर्टिंग जेल मैट्रिक्स की नीड होती है। ये सपोर्टिंग जेल मैट्रिक्स कोई पोरस जेल होता है, जस्ट सपोज यहाँ पर ये दिखा दिया पोरस जेल जिसमें से होते हुए मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। अब आपको पता है कि कोई भी पार्टिकल किसी मीडियम में से मूव करता है तो उस मीडियम का भी एक फोर्स लगता है, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। तो जब पार्टिकल्स मीडियम में से गुजरेंगे, मीडियम में से मूव करेंगे तो जेल मैट्रिक्स का एक फोर्स यहाँ पर काम करेगा जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण पार्टिकल्स आगे की ओर मूव कर रहे हैं, कैथोड या एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं, एंड फ्रिक्शनल फोर्स जो कि जेल मैट्रिक्स के कारण लग रहा है वो उनके माइग्रेशन को, उनके मूवमेंट को कम कर रहा है। इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल ड्रैग, क्योंकि ये माइग्रेशन को रिड्यूस कर रहा है, कम कर रहा है, इसको बोलेंगे फ्रिक्शनल ड्रैग। तो इस तरह से इलेक्ट्रोफोरेसिस में मॉलिक्यूल्स के ऊपर दो फोर्सेस काम करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड फ्रिक्शनल ड्रैग। मॉलिक्यूल्स का जो माइग्रेशन रेट होता है वो डिपेंड करता है दोनों फोर्सेस के ऊपर। रेट ऑफ माइग्रेशन के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको आपने ध्यान रखना है। रेट ऑफ माइग्रेशन इसको अगर V से डिनोट करें तो V इज इक्वल टू ई क्यू अपॉन एफ। यहाँ पर E है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, Q है चार्जेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, समटाइम बुक में जेड भी लिखा आता है, एंड एफ है फ्रिक्शनल ड्रैग, क्लियर है इतना। फ्रिक्शनल ड्रैग ये जो फॉर्मूला है इसका कंसेप्ट, इसका प्रिंसिपल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बच्चों आपके क्वेश्चन आते हैं, रेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स वी इज इक्वल टू ई क्यू अपॉन एफ, ठीक है, इसका मतलब वी इज प्रोपोर्शनल टू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा माइग्रेशन होगा। V इज प्रोपोर्शनल टू Q, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा माइग्रेशन होगा।
बट वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्शनल ड्रैग, ठीक है, मोर फ्रिक्शनल ड्रैग लेस रेट ऑफ माइग्रेशन, जितना ज्यादा फ्रिक्शनल ड्रैग होगा उतना कम माइग्रेशन होगा, ठीक है। ये जो फ्रिक्शनल ड्रैग होता है, फ्रिक्शनल ड्रैग डिपेंड करता है पोरोसिटी और विस्कोसिटी ऑफ जेल, जो हमने जेल लिया है उसकी पोरोसिटी पर डिपेंड करता है या उसकी विस्कोसिटी पर डिपेंड करता है। इसके साथ ही फ्रिक्शनल ड्रैग डिपेंड करता है मॉलिक्यूल्स के कैरेक्टर पर, जिन मॉलिक्यूल्स का हमने सेपरेशन करना है ना उसके कैरेक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि मॉलिक्यूल्स के साइज, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूल्स की शेप, मॉलिक्यूल्स की रेडियस, इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एक एक पॉइंट्स को बच्चों आप बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है। अब हम एक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हैं, जो अभी आपको प्रिंसिपल बताया है V इज इक्वल टू ई क्यू अपॉन एफ, इसको अब हम समझते हैं। ये हमने अपनी इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट तैयार की, ये अपना सैंपल वेल बनाया जिसमें अपने सैंपल को हमने लोड किया, ठीक है। यहाँ पर है कैथोड, यहाँ हमने बनाया एनोड, ठीक है। सैंपल में जस्ट सपोज हमारे पास में ए बी सी एक्स वाई जेड, ये सिक्स टाइप्स के हमको मॉलिक्यूल्स दे रखे, ठीक है। ए के ऊपर है प्लस वन चार्ज, बी के ऊपर प्लस टू, सी के ऊपर प्लस थ्री, एक्स के ऊपर माइनस वन, वाई के ऊपर माइनस टू एंड जेड के ऊपर माइनस थ्री चार्ज प्रेजेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं, हम क्या देखते हैं, आयंस मूव कर रहे हैं अपने अपने चार्जेस के अकॉर्डिंगली एंड हमको तीन बैंड्स मिलते हैं, कैथोड की तरफ तीन बैंड्स एंड एनोड की तरफ हमको तीन बैंड्स मिलते हैं, एक बैंड आगे फिर उसके पीछे एंड एक बैंड उसके पीछे, इसी तरह कैथोड पर भी एक बैंड उसके पीछे एक और बैंड देन एक और बैंड। देखिए जब एनालिसिस करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि सबसे आगे एनोड की तरफ जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है सबसे आगे की तरफ जेड बैंड मिलता है, जेड मॉलिक्यूल का बैंड मिलता है जिसके पास माइनस थ्री चार्ज है, उसके पीछे वाई माइनस टू चार्ज के साथ में एंड उसके पीछे एक्स माइनस वन चार्ज के साथ में। इसी तरह कैथोड की तरफ सबसे पीछे की ओर ए मॉलिक्यूल का बैंड, उसके बाद बी एंड सबसे आगे सी मॉलिक्यूल का बैंड मिलता है, ठीक है। तो अगर हम बैंड का ऑर्डर देखें इस एक्सपेरिमेंट में तो हमको कैसे मिलेगा, सी का बैंड सबसे आगे देन बी देन ए, ठीक है, कैथोड की तरफ एंड एनोड की तरफ जो ऑर्डर होगा सबसे आगे जेड देन वाई एंड देन एक्स। तो यहाँ पर देखिए इस एक्सपेरिमेंट में जो जेल है वो सभी सिक्स मॉलिक्यूल्स के लिए सेम है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने सेम अप्लाई किया, तो अब यहाँ पर जो रेट ऑफ माइग्रेशन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, चार्जेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सो वी इज प्रोपोर्शनल टू क्यू, क्लियर हो गया। यहाँ पर जो हमने प्रिंसिपल में पढ़ा वो यहाँ पर क्लियर हो रहा है, यहाँ पर उसका वेरीफाई कर रहे हैं हम कि V इज प्रोपोर्शनल टू Q, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ माइग्रेशन है, ठीक है। मोर चार्ज मोर माइग्रेशन, ठीक है। सो फर्स्ट ये पॉइंट हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया। अब इसके ऊपर बच्चों आपके क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। कैसे क्वेश्चन आता है, आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा प्रोटीन मिक्सचर, ठीक है, कि आपके पास में कोई प्रोटीन मिक्सचर दे रखे, मान लो सिक्स प्रोटीन के मिक्सचर दे रखे एंड आपको चार्जेस दे दिए जाएंगे एंड पूछा जाएगा इनका ऑर्डर क्या होगा, इनका बैंड हमें किस ऑर्डर में मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर बताना होगा। अब इसमें प्रोटीन मिक्सचर में आपको सिर्फ चार्जेस दे रखे, मॉलिकुलर वेट नहीं दे रखा, ठीक है। तो हम सिर्फ चार्ज के बेसिस पर माइग्रेशन को देखेंगे, चार्ज के बेसिस पर हम जो है बैंड की पोजीशन को देखेंगे एंड ऑर्डर को बताएंगे, ठीक है। जितना ज्यादा चार्ज होगा
उसका बेंड उतना ज्यादा आगे मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहे हैं जो कि अपोजिट चार्ज आयंस के बीच में होते हैं। और आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में मोर चार्जेस मोर फोर्सेस, ठीक है। तो इस तरह से जेड जो है सबसे आगे की ओर इसका बैंड मिलेगा, फिर उसके पीछे वाई का और सबसे पीछे एच मॉलिक्यूल का हमें बैंड मिलेगा। तो बहुत सिंपल तरीके से आप प्रोटीन मिक्सचर में बैंड के ऑर्डर को बता सकते हो, बैंड की पोजीशन को बता सकते हो, ठीक है। अब हम एक और एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हैं आगे के प्रिंसिपल को समझने के लिए। ये हमने इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट को अपने तैयार किया, इलेक्ट्रोड्स लगाए एनोड पॉजिटिव चार्ज के साथ, कैथोड नेगेटिव चार्ज के साथ, एंड सैंपल बनाया सैंपल वेल जिसमें अपने सैंपल को लोड कर दिया। सपोज हमारे पास में ए बी सी एक्स वाई जेड सिक्स टाइप्स के प्रोटीन मिक्सचर दे रखे हैं। ए के पास में हम फिर से मान लेते हैं प्लस वन चार्ज, बी के पास में प्लस टू, सी के पास में प्लस थ्री चार्ज है, एक्स के पास में माइनस वन, वाई का माइनस टू एंड जेड के पास में माइनस थ्री चार्ज है, ठीक है। एंड यहाँ पर अगेन आपसे ऑर्डर पूछा जाए, लेकिन साथ में यहाँ पर आपको मॉलिकुलर वेट भी दे रखा है, वेट की वैल्यू भी दे रखी है, ठीक है। सपोज ए का मॉलिकुलर वेट दे रखा है 60 किलो डाल्टन, बी का दे रखा है आपको 45 किलो डाल्टन एंड सी का दे रखा है आपको 15 किलो डाल्टन। इसी तरह यहाँ पर एक्स के लिए दे रखा है, यही वैल्यू ले लेते हैं हम 60 किलो डाल्टन, y का 45 एंड z का 15 किलो डाल्टन। एंड अब पूछा जाए कि किसका बैंड आगे मिलेगा, किस ऑर्डर में बैंड मिलेंगे, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ माइग्रेशन e q अपॉन f, ठीक है। e जो है सभी सिक्स मॉलिक्यूल के लिए यहाँ पर सेम है, e की वैल्यू सेम फॉर ऑल सिक्स मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं होगा, रेट ऑफ माइग्रेशन इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। रेट ऑफ माइग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। तो यहाँ पर हमको पता है मोर इज द चार्जेस, ठीक है, मोर इज द चार्जेस मोर इज द माइग्रेशन। तो जेड का हमारे को सबसे आगे बैंड मिलेगा एंड इस तरफ देखें कैथोड की तरफ तो सी का बैंड हमें सबसे आगे मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको वेट भी दे रखा है तो इसको अब हमें कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। एंड एफ बच्चों हमको पता है दो मेन फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक होती है पोरोसिटी, ठीक है, एंड दूसरी होती है मॉलिक्यूल्स के खुद के कैरेक्टर्स, ठीक है, मॉलिकुलर कैरेक्टर्स इसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अभी आपको मैं बताया जैसे कि वेट है, शेप है ना, साइज है, रेडियस है, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पर मॉलिकुलर वेट दे रखा है ना, पोरोसिटी तो फिर से सभी सिक्स मॉलिक्यूल्स के लिए सेम हो जाएगी, है ना। तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट जो है माइग्रेशन को अफेक्ट करने वाला क्या जो है फीचर नहीं रहेगा, लेकिन जो मॉलिकुलर वेट है ये सबका अलग अलग है। अब जितना मॉलिकुलर वेट होता है उतना ज्यादा फ्रिक्शनल ड्रैग लगता है, उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। सिंपल सा लॉजिक है, जितना भारी कोई मॉलिक्यूल होगा, जितनी डेंसिटी होगी वो उतना धीरे धीरे मूव करेगा, सिंपल है ना। सो मोर इज द वेट, मोर इज द वेट लेस इज द माइग्रेशन, माइग्रेशन कम हो जाएगा क्योंकि इनमें इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। एफ की वैल्यू ज्यादा तो वी की वैल्यू कम, बस सिंपल सा आपको ये ध्यान में रखना है। तो अगेन आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि जेड का चार्ज भी सबसे ज्यादा है, जेड का मॉलिकुलर वेट भी सबसे कम है, तो इसलिए जेड का बैंड सबसे आगे की ओर आएगा, ठीक है। इसके पीछे y का, क्योंकि अब हम x और y में जब कंपेयर करेंगे तो y का मॉलिकुलर वेट कम है एंड यहाँ पर x का मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से c का सबसे आगे, फिर b का, देन a का। तो यहाँ पर भी जो ऑर्डर होगा बैंड का क्या होगा, सबसे आगे c, फिर b, देन a, इसी तरह से एनोड की तरफ, सॉरी z, y एंड x, ठीक है। तो यहाँ पर आसानी से आप ऑर्डर को निकाल सकोगे, बैंड की पोजीशन को बता सकोगे। लेकिन अगर आपको इस तरह से दे रखा हो प्रोटीन का मॉलिकुलर वेट, अगेन हम अपना एक
एक्सपेरिमेंट देखते हैं, कंडक्ट करते हैं, सैंपल वेल में अपने सैंपल को लोड किया, इलेक्ट्रोड लगाए, ये हमारा कैथोड और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ए बी सी एक्स वाई जेड, सिक्स टाइप्स के हमको प्रोटीन्स दे रखे हैं। अगेन ए के ऊपर प्लस वन, बी के ऊपर प्लस टू, सी के ऊपर प्लस थ्री चार्ज, एक्स के ऊपर प्लस वन, वाई के ऊपर एक्स के ऊपर माइनस लगाना है, एक्स के ऊपर माइनस वन, वाई के ऊपर माइनस टू एंड जेड के ऊपर माइनस थ्री चार्ज। अब जो मॉलिकुलर वेट दे रखा है, ए का मॉलिकुलर वेट दे रखा है 15 किलो डाल्टन, बी का दे रखा है 45 किलो डाल्टन एंड सी का दे रखा है 60 किलो डाल्टन। एक्स के मॉलिकुलर वेट 15, वाई का 45 एंड जेड का 60 किलो डाल्टन। बच्चों जो कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो अच्छे से आप समझिए, इस चीज को आप अच्छे से समझना। यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ था ठीक है, उसका रिवर्स डेटा कर दिया है। यहाँ पर ए के ऊपर मॉलिकुलर वेट 60 था ठीक है एंड सी का 15 था, एक्स का मॉलिकुलर वेट 60, जेड का 15 ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए चार्जेस वही रखे हैं बट मॉलिकुलर वेट आप देखो मैंने चेंज कर दिए। तो अब किस डायरेक्शन में बैंड मिलेगा, अब बैंड ऑर्डर क्या होगा ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं ठीक है। अगेन हमको पता है रेट ऑफ माइग्रेशन वी इज इक्वल टू ई क्यू अपॉन एफ, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सभी मॉलिक्यूल्स के लिए सेम है ठीक है। सो वी इज प्रोपोर्शनल टू क्यू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ ठीक है। चार्जेस यहाँ पर सबसे ज्यादा चार्जेस जेड का है तो जेड का मिलना चाहिए सबसे आगे बैंड एंड उसके पीछे एक्स का मिलना चाहिए सबसे पीछे एक्स का ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब मॉलिकुलर वेट को भी हमें कंसीडर करना है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रिक्शनल ड्रैग को डिसाइड करेगा मॉलिकुलर वेट। तो मॉलिकुलर वेट जिसका ज्यादा उतना उसके ऊपर फ्रिक्शनल ड्रैग ठीक है, उसका रेट ऑफ माइग्रेशन उतना कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जेड को देखिए जिसके पास में माइनस थ्री चार्ज है लेकिन इसका मॉलिकुलर वेट सबसे ज्यादा है ठीक है, ऑल्दो इसके पास में चार्जेस ज्यादा है ना, लेकिन मॉलिकुलर वेट इसके पास में ज्यादा है तो इसके ऊपर फ्रिक्शनल ड्रैग ज्यादा लगेगा। फ्रिक्शनल ड्रैग ज्यादा लगने के कारण इसका जो माइग्रेशन है वो बहुत स्लो हो जाएगा और इसका बैंड सबसे पीछे मिलेगा ठीक है। एंड यहाँ पर सबसे आगे जो बैंड मिलेगा वो एक्स का होगा, तो इस केस में सबसे आगे एक्स का बैंड मिलेगा, फिर वाई का मिलेगा, देन सबसे पीछे जेड का बैंड मिलेगा। इसी तरह यहाँ पर सी के पास में प्लस थ्री चार्जेस है जो कि केटायंस में से सबसे ज्यादा चार्जेस है तो इसका रेट ऑफ माइग्रेशन सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इसका मॉलिकुलर वेट यहाँ पर सबसे ज्यादा है इसलिए फ्रिक्शनल ड्रैग इसके ऊपर सबसे ज्यादा लगेगा। एंड मोर इज द फ्रिक्शनल ड्रैग लेस इज द माइग्रेशन, तो यहाँ पर ऑल्दो इसके पास में प्लस थ्री चार्ज है लेकिन इसका फ्रिक्शनल ड्रैग ज्यादा होने के कारण इसका जो मूवमेंट है इसका जो माइग्रेशन है वो स्लो हो जाएगा एंड इसका बैंड सबसे पीछे मिलेगा, देन बी का बैंड जाएगा एंड देन फिर सबसे आगे ए का बैंड मिलेगा। तो यहाँ पर जो बैंड ऑर्डर बनेगा ए बी एंड सी बनेगा। तो इससे आपका एक और पॉइंट निकल कर आया है कि जब एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो, जेल की पोरोसिटी सेम होती है, तब माइग्रेशन डिपेंड करता है चार्ज बाय मास रेशियो पर ठीक है। सो हम यहां पर लिख सकते हैं कि रेट ऑफ माइग्रेशन डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड मास रेशियो, व्हेन ऑल अदर एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस आर सेम ठीक है।
कंडीशंस आर सेम। क्लियर है? तो जब अदर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन सेम होंगी तब रेट ऑफ माइग्रेशन डिपेंड करता है चार्ज बाय मास रेशो पर, ठीक है। एंड यहां पर भी मास को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, मास को कंसीडर किया जाता है चार्ज के कंपैरिजन में। चार्ज भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, लेकिन जब चार्ज एंड मास दोनों ही अपोजिट दे रखे हों, ठीक है, मोर इज द चार्ज एंड मोर इज द मास, तो उस कंडीशन में इंपॉर्टेंट जो कंसीडर किया जाएगा फैक्टर, दैट इज मास। मास को कंसीडर किया जाएगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसका बैंड पीछे की ओर मिलेगा, ठीक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इनके ऊपर बच्चों आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। V इज इक्वल टू ई क्यू अपॉन एफ, क्यू इज चार्ज प्रेजेंट ऑन मॉलिक्यूल्स एंड एफ फ्रिक्शनल ड्रैग। फ्रिक्शनल ड्रैग दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, पोरोसिटी ऑफ जेल एंड मॉलिक्यूल्स के अपने कैरेक्टर्स पर, मॉलिक्यूलर कैरेक्टर्स। मॉलिक्यूलर कैरेक्टर्स में जैसे कि मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर साइज, शेप एंड रेडियस। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, आपके पास में कुछ मॉलिक्यूल्स दे रखे, आपको कहा गया है कि मॉलिक्यूल्स पर चार्ज सेम है, चार्ज इज सेम फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एंड जेल जो आपने काम में लिया है वो मान लो 0.5% कंसंट्रेशन का जेल काम में लिया है, तो इस तरह से जो जेल की पोरोसिटी है वो फैक्टर भी सेम हो जाएगा, ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट में सभी मॉलिक्यूल्स के लिए। आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे वो भी सेम हो जाएगा। एंड आपको दे दिया कि जो मॉलिक्यूल्स का साइज है वो अलग अलग है, आपको साइज दे रखा है। तो कहने का मतलब है, आपसे पूछा जा सकता है कि क्या हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा इस कंडीशन में सेपरेशन कर सकते हैं? यस, अगर मॉलिक्यूल्स के पास में चार्ज है, केटायंस है मॉलिक्यूल्स, या हमारे मॉलिक्यूल्स एनायंस हैं, ऑल्दो इनके पास में चार्जेस का अमाउंट सेम है बट इनके साइज में डिफरेंस है, तो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंस है तब भी हम मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन कर सकते हैं। अगर मॉलिक्यूल्स की शेप अलग है, इस कंडीशन में भी बायो मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन किया जा सकता है, ऑल्दो मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम अमाउंट ऑफ चार्जेस। अगर मॉलिक्यूल्स का रेडियस अलग है तब भी मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन किया जा सकता है। अगर मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन अलग है तब भी मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप प्रिंसिपल को अच्छे से समझ गए होंगे, छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। नाउ द वर्किंग स्टेप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। वर्किंग स्टेप्स फॉर इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस चाहे किसी भी टाइप की हो, एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो या पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो, कुछ कॉमन स्टेप्स होते हैं जिसको सभी टाइप की इलेक्ट्रोफोरेसिस में फॉलो किया जाता है। इसमें फर्स्ट है सेटअप द इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट को असेंबल करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कैथोड एंड एनोड के बारे में, आपको सैंपल वेल कहाँ बनाने हैं, किस डायरेक्शन में बनाने हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो प्रॉपर इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट की असेंबली करनी आपको आनी चाहिए। सेकेंड है सैंपल प्रिपरेशन, एक अप्रोप्रिएट बफर सॉल्यूशन लेकर हम अपने सैंपल को प्रिपेयर करते हैं। थर्ड स्टेप में हम जेल प्रिपरेशन करते हैं। जेल प्रिपरेशन के लिए हम किस कंसंट्रेशन का मटेरियल काम में लेंगे, सपोर्टिंग मैट्रिक्स काम में लेंगे, डिपेंड करता है सेपरेट करने वाले मॉलिक्यूल्स के ऊपर। इसको जब हम आगे डिटेल में एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ेंगे तो वहाँ पर अच्छे से समझेंगे। जेल को प्रिपरेशन करने के बाद में जेल की कास्टिंग की जाती है। एंड नेक्स्ट स्टेप में आता है
सैंपल लोडिंग, देन सैंपल लोड किया जाता है, उसके बाद में प्रोसेसिंग एंड डिटेक्शन एंड एनालिसिस। तो ये कुछ कॉमन स्टेप्स होते हैं जो सभी टाइप्स के इलेक्ट्रोफोरेसिस में फॉलो किए जाते हैं। नाउ द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस इलेक्ट्रोफोरेसिस की, जिसमें फर्स्ट है सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा हम मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन कर सकते हैं, ना सिर्फ सेपरेशन किया जा सकता है बल्कि मॉलिक्यूल्स का एनालिसिस किया जा सकता है, इनके मॉलिक्यूलर वेट का डिटर्मिनेशन भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स, एनालिसिस ऑफ पीसीआर प्रोडक्ट, इसीलिए हम एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर काम करते हैं। सेपरेशन ऑफ रेस्ट्रिक्टेड जीनोमिक डीएनए एंड आरएनए, इसके लिए एगेरोस एंड पेज पर काम किया जाता है। कन्फर्मेशन ऑफ न्यूली आइसोलेटेड डीएनए, इसके लिए हम एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर काम करते हैं। एक नए आइसोलेटेड डीएनए के कन्फर्मेशन को भी हम इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के द्वारा जान सकते हैं। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट्स, इसके लिए भी एगेरोस को हम काम में लेते हैं। इन फॉरेंसिक साइंस, इलेक्ट्रोफोरेसिस की फॉरेंसिक साइंस में भी वाइडली यूज में ली जाने वाली टेक्निक है। इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसके लिए एगेरोस है, पेज है, एसडीएस पेज है, 2D पेज है, इसको हम काम में लेते हैं। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉलिकुलर वेट ऑफ प्रोटीन्स, सदर्न एंड नदर्न ब्लॉटिंग, एग्रीकल्चरल टेस्टिंग, इन फूड इंडस्ट्री, क्वांटिटेटिव सेपरेशन ऑफ ऑल फ्रैक्शंस ऑफ सेलुलर एंटिटीज, एंटीबॉडीज, आरबीसी, एंजाइम्स एक्सेट्रा इज पॉसिबल। इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के द्वारा हम एंटीबॉडीज हैं, आरबीसी हैं, एंजाइम्स हैं, अदर सेलुलर फ्रैक्शंस हैं, इनका क्वांटिटेटिव सेपरेशन भी किया जा सकता है। इसके साथ ही इट इज ऑल्सो यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ वेरियस डिजीजेस ऑफ किडनी, लीवर एंड CVS। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, साइक्लिक वॉमिटिंग सिंड्रोम के डायग्नोसिस में इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज की जाती है। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ टर्पिनोइड्स, स्टीरोइड्स एंड एंटीबायोटिक्स। इलेक्ट्रोफोरेसिस इन कॉम्बिनेशन विद ऑटो रेडियोग्राफी इज यूज टू स्टडी बाइंडिंग ऑफ आयरन टू सीरम प्रोटीन। तो इस तरह से इलेक्ट्रोफोरेसिस वाइडली यूज में ली जाने वाली टेक्निक है, फॉरेंसिक साइंस में, फूड साइंस में, केमिकल साइंस में, मेडिकल साइंस में, हेल्थ सेक्टर में, सभी जगह पर इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने में, मॉलिक्यूल्स का एनालिसिस करने में, मॉलिक्यूल्स के वेट को डिटरमाइन करने में यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस को एक जनरल वे में समझा है। आई होप आपको अच्छे से इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या, एक बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।